नमस्कार, डेली डाइट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नजीब जंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। जब से नजीब जंग ने दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला, तब से लेकर उनके इस्तीफे तक तमाम तरीके की कही अनकही बातें उनके बारे में हुई, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उनके परिवार के बारे में। नजीब जंग का परिवार मूलतः हैदराबाद के निजाम के यहाँ पर बड़े पदों पर रह चुका है। उनके पिता का खानदान सऊदी अरब से जुड़ा हुआ था, तो ननिहाल के मुगलों व तुर्क से रिश्ते रहे हैं। उनका परिवार काफी पहले ही दिल्ली आ गया था। दरियागंज की गलियों में जनवरी 1951 में उनका जन्म हुआ। वो सेंट कोलंबस में पढ़े, फिर सेंट स्टीफन से उन्होंने स्नातक किया। आपको बता दें कि गोलचा सिनेमा भी उन्हीं के परिवार का था। उनके पिता की जल्दी मृत्यु हो गई और उन्हें उनकी माँ व चाचा ने पाला। नजीब जंग को शुरू से ही सिविल सेवा में जाने की इच्छा थी। 1971 में पहली ही कोशिश में आईपीएस चुन लिए गए, लेकिन मन में कुछ और ही था, इसलिए नौकरी ज्वाइन करने के बाद दोबारा परीक्षा दी और आईएएस बन गए। उन्होंने अपना कैडर मध्य प्रदेश चुना। शुरुआती पोस्टिंग दतिया व रायपुर में हुई। दतिया का कलेक्टर रहते हुए माधवराव सिंधिया के वो काफी करीब आए। नजीब जंग में जहां कुशल प्रशासक के सारे गुण हैं, वहीं वो उतने ही सरल भी हैं। जामिया की कैंटीन में छात्रों के साथ चाय समोसे खाते हुए उनकी समस्याओं पर चर्चा भी करते थे। कभी कोई अव्यवहारिक मांग नहीं मानी। शिक्षा से संबंधित फैसले करते हुए उससे जुड़े लोगों से सलाह मशवरा भी किया करते थे नजीब जंग। आपको बता दें कि नजीब जंग को फिल्में देखने और बैडमिंटन खेलने का भी शौक है। बॉबी फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने न सिर्फ इसे कई बार देखा, बल्कि डिंपल कपाड़िया के अभिनय से प्रभावित होकर अपनी बेटी का नाम ही डिंपल रख दिया। आपको बता दें कि नजीब जंग की 3 बेटियां हैं। सेंट स्टीफन में वो कपिल सिब्बल दोनों ही सहपाठी थे। वहीं दोनों को नाटकों का शौक पैदा हुआ। कपिल सिब्बल निर्देशन करते व नजीब जंग उसकी किरदार की भूमिका अदा करते। उन्होंने कपिल सिब्बल के निर्देशित चे गुवेरा व मर्चेंट ऑफ वेनिस सरीखे नाटकों में भूमिका अदा की है। उन्होंने शाल लायक का रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया। नाटकों के प्रति उनका शौक कभी कम नहीं हुआ। जामिया मिलिया का कुलपति रहते हुए इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत एक नाटक में उन्होंने अकबर भी की भूमिका भी अदा की है।